रमेश सर काका के पास एक लेहड़ा गाय थी। वे प्रतिदिन सुबह ही इन गायों को दोदाह कर चराने के लिए निकल पड़ते थे। सुबह से लेकर शाम तक रमेश सर काका गायों को लेकर इस गांव से उस गांव, तो कभी नदी किनारे तो कभी कभी इस जंगल से उस जंगल घूमा करते थे और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते थे। जब रमेश सर काका गायों को चराने के लिए निकलते तो सत्तू और भुजा भरी के साथ ही कभी कभी दही दूध आदि भी ले जाते और भूख लगने पर किसी पेड़ की छाया में बैठकर खाते पीते। रमेश सर काका कभी भी अपने साथ पानी नहीं ले जाते और ना ही लोटा रखते। प्यास लगने पर या तो वे नदी का जल पीते, नहीं तो जंगल सरेह गांव से बाहर का खुला खेत आदि भाग जिसमें दूर दूर तक कोई बस्ती घर आदि न हो आदि में होने पर लाठी से मारकर महुए और आम आदि के पत्ते तोड़कर उन्हें अपने गमछे की एक छोर में बांधते और फिर इस गमछे के दूसरे छोर को अपने साथ सदा लिए रहने वाली धोती के एक छोर से बांधते तथा फिर इसे किसी कुएं में डालकर पानी निकालते। इस विधि को झोंझ कहते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी तो नहीं निकलता पर 2-3 बार में पीने भर का पानी अवश्य निकल आता है। एक बार की बात है कि रमेश सर काका बीमार पड़ गए। अब उनके गाय गोरू को चराने कौन ले जाए। वे बहुत परेशान हुए क्योंकि एक दिन भी इन गायों को चराने में देर होने पर यह बोलने लगती थी और खूंटे के पास हाथ मूंद कर इतना चकल्लस करती थी कि खूंटे के आसपास की जगह सने गोबर माटी से भर उठती थी और जब तक इन्हें खोला नहीं जाता रंभाती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता पर रमेश सर काका की तबीयत ठीक नहीं हुई। रमेश का काका इन 2 दिनों में गायों के आगे पुआल या खांची में भूसा घास आदि डाल देती और पानी आदि दिखा देती पर गाय प्यास लगने पर पानी तो पी लेती पर पुआल आदि खाने का नाम नहीं लेती और बेचैनी से खूंटों के आसपास घूमा करती। इन 2 दिनों में तो कुछ गायों ने अपना पगहा भी तोड़ दिया और चरने के लिए भागने लगी। कैसे भी करके रमेश सर काका ने इन गायों पर काबू किया। 3रे दिन भी रमेश सर काका की तबीयत जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सनेसा भेजकर अपने ससुराल से अपने सरपुत घनेश्वर को बुला लिया। घनेश्वर 16-17 साल का किशोर था और बहुत ही सुंदर तथा भला चंगा था। घनेश्वर ने आते ही अपने फूफा का सारा काम संभाल लिया। घनेश्वर बहुत ही समझदार लड़का था। वह प्रतिदिन भिनसहरे 3 बजे ही जग जाता और नित्य क्रिया से निपट कर 5 बजे तक पढ़ाई करता और उसके बाद गायों को खोलकर चराने के लिए निकल पड़ता। वह अपने साथ अपनी पुस्तकों का बेठन ले जाना कभी नहीं भूलता। किसी चरने वाली जगह पर गायों को चरता छोड़कर वह किसी पेड़ आदि की छाया में बैठकर पढ़ाई करता। एक बार की बात है कि गायों को चराते चराते घनेश्वर एक जंगल में दूर तक निकल गया। जंगल बहुत घना नहीं था पर बहुत सारी झाड़ियों से पटा पड़ा था। दोपहर का समय था और अब घनेश्वर को प्यास भी सताने लगी थी। घनेश्वर गायों को चरता छोड़ जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ भाग करने लगा। अचानक एक बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक बहुत पुराना कुआं दिख ही गया। कुआं बहुत ही पुराना था पर उसका जगत हाल में ही पक्की ईंट से बंधवा गया जान पड़ता था। घनेश्वर ने अब देर किए बिना जंगल में कुछ झाड़ियों के हरे पत्ते तोड़े और उन्हें अपने गमछे में बांधकर झोंझ बनाया, फिर अपने फूफा की तरह गमछे के एक छोर में धोती बांधकर उसे कुएं में लटकाया। पर कुएं में पानी का सतह बहुत ही नीचे था और झोंझ पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसने लाख कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पाया। अब वह पसीने से तर बतर हो गया था और धोती से सर पर के पसीने को पोंछते हुए उसी कुएं की जगत पर बैठकर कुछ सोचने लगा। तभी पायल की छम छम की आवाज ने उसके सोचने के क्रम को बाधित कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ दूर पर हिरणी की चाल से अपने पायलों की झनकार करते हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान व गालों पर हल्की लाली लिए एक किशोरी उसके तरफ बड़ी चली आ रही है। वह अवाक मन से उस किशोरी के रूप श्रृंगार के रस का पान करने में लग गया। उस किशोरी में पता नहीं क्या जादू था कि वह ज्यो ज्यो करीब आती जा रही थी घनेश्वर उसके अप्रतिम सौंदर्य में खोया जा रहा था। पास आकर शरारतीपन से उस किशोरी ने बेहिचक मन से घनेश्वर से पूछा, प्यास लगी है क्या? घनेश्वर, जो एक तक उस किशोरी की सुंदरता का पान किए जा रहा था, घबरा कर हाँ में सर हिला दिया। किशोरी और आगे बढ़ी और कुएं के जगत पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों से अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। घनेश्वर अभी भी उस किशोरी में ही खोया हुआ था। दरअसल उस किशोरी में कुछ तो ऐसा था जो बरबस घनेश्वर को मदमस्त करते जा रहा था, उसे अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहा था। किशोरी ने कुएं से अपनी अंजलि में पानी भरकर घनेश्वर की ओर बढ़ी। घनेश्वर भी बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह में सटा दिया। किशोरी अपने अंजलि का पानी घनेश्वर के अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और घनेश्वर भी अमृत रूपी जल को पीना शुरू किया। हाँ, यह अलग बात थी कि घनेश्वर की अंजलि से आधा पानी नीचे गिरे जा रहा था क्योंकि वह पानी पीने के साथ ही उस किशोरी के चेहरे की आकर्षकता को भी एक तक पिए जा रहा था। ना उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म हो रहा था और ना ही घनेश्वर की प्यास बुझने का नाम ले रही थी।
पानी पीने पिलाने का ये सिलसिला लगभग आधे घंटे चला और जब किशोरी को लगा कि यह व्यक्ति तो पानी कम अपितु उसको एक टक निहारने का काम अधिक कर रहा है तो वह थोड़ी असहज होकर बोली, और पिलाऊं की बस। अब फिर घनेसर ने कुछ बोले केवल नामे सिर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने घनेसर से एक मादकता भरी आवाज में फिर पूछा, अब मैं चलूं? फिर घनेसर ने हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी फिर हिरणी की चाल से पता नहीं जंगल में कहाँ खो गई। घनेसर कुछ समय तक तो चुपचाप उस कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक पता नहीं क्या सूझा कि उठकर गायों की ओर चल दिया। गायों की दिशा में बढ़ते समय घनेसर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। गायों को लेकर घनेसर घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश लग रहा था और रह रहकर कोई प्रेम भरा गीत छेड़ जाता था। उसकी भूख प्यास गायब हो चुकी थी और उसने अपनी बुआ के लाख कहने के बाद भी रात को कुछ नहीं खाया और अपनी खाट पर सोने चला गया। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब थी और पता नहीं क्यों उसे एक खुशनुमा बेचैनी सताए जा रही थी। वह लेटे लेटे कभी कभी खाट से उठ जाता और कुछ गुनगुनाने के बाद या दो चार कदम चहलकदमीकरण के बाद फिर से खाट पर लेट जाता। उसे एकदम से समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है या उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक वह जागते हुए एक स्वप्न देखने लगा और यह स्वप्न कुछ और नहीं बस आज दिन भर के उसके कार्यकलाप थे। उसने अपने को गाय चराने के लिए जंगल में जाते हुए देखा, फिर कुएं की जगत पर बैठा देखा और फिर उस किशोरी का आना और उसे पानी पिलाना। इतना स्वप्न देखते ही या यूं कहें कि याद करते ही वह गदगद हो गया, पर आगे घटे घटना को याद करके कुछ तो ऐसा हुआ कि उसे काट मार गया और उसने थूक सटक ली। अचानक घनेसर को पता नहीं क्या सूझा कि वह डरकर उठकर बैठ गया। बिना देरी किए उसने सिरहाने रखी माचिस से एक तिली निकाला और पास में रखे धेबरी को जला दिया। धेबरी की धुंधली रोशनी में उसके माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ देखा जा सकता था। आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? दरअसल उसके जहन में यह सवाल कुरेद गया कि वह किशोरी इतने गहरे कुएं से अपने हाथ की अंजलि बनाकर पानी कैसे निकाल दी और साथ ही उसने इतनी देर तक पानी पिया फिर भी उस किशोरी के अंजलि का पानी खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा था। उसने भूत प्रेत की बहुत सारी घटनाएं सुन रखी थी, उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा भूतनी। इसके बाद डरे सहमे घनेसर ने उस डिबडिबाती ऐसे टिमटिमाना की लगी कि अब बुझ गया, धेबरी के प्रकाश में ही बैठे बैठे रात गुजार दी। सुबह सुबह डरा सहमा घनेसर गायों को लेकर सरेह की ओर निकल गया। उसने मन में एकदम से सोच लिया कि अब भूल कर भी उस जंगल की ओर नहीं जाऊंगा, पर कहीं न कहीं उसके जेहन में उस किशोरी की यादें अंगड़ाई ले रही थी। न चाहते हुए भी उस किशोरी का अनुपम सौंदर्यवान चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता और अपनी आकर्षकता का एहसास करा जाता। सरेह में गायों को चरता छोड़ वह पास ही में एक सूखी गदही के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह किशोरी को काफी समय से जानता है, वह उसकी परिचित है। उस किशोरी का सौंदर्यपूर्ण शरारती चेहरा याद आते ही सहसा सहमा घनेसर मुस्कुरा देता। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचते हुए घनेसर को पता ही नहीं चला कि कब सूर्य उसकी सर पर आ गया और डालियों पत्तों के बीच से उसके साथ आंख मिचौली खेलने लगा। घनेसर उठा और गायों की ओर चल दिया। गायों को हांक हांक कर एक पास करने के बाद फिर वह उस पेड़ के नीचे आ गया। पेड़ के नीचे आकर घनेसर ने कांधे पर रखी धोती को दोहरा कर बिछा दिया और गमछे को सर के नीचे लगाकर वहीं लेट गया। सरेह में कुछ चरवाहे या किसान नजर आ रहे थे। डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि दिन था और उस सूखी गली के एक किनारे रजमतिया काकी पेड़ों पर से गिरे सूखी लकड़ियों को एकत्र कर रही थी। लेटे लेटे रतजगा किए घनेसर को पता नहीं कब नींद आ गई, पर नींद में भी वह सहमा सहमा दिख रहा था। पर कभी कभी उसके चेहरे पर एक एक मिनटी मुस्कान आ जाती, ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूत और देवता की लड़ाई देख रहा है। भूत का विकराल रूप उसे डरा जा रहा था तो देवता का उस भूत पर हावी होना उसे हर्षित कर जा रहा था। सोए हुए घनेसर को पता नहीं क्या हुआ कि वह सकपका गया और उठ बैठा। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि कोई मखमली उंगलियों को उसके बालों में पिरो रहा है और रह रहकर उसे सहला रहा है। आसपास में किसी को न देखकर उसे यह भ्रम लगा, पर वह फिर से सोया नहीं और बैठकर फिर से उस किशोरी के बारे में सोचने लगा। अचानक एक तेज हवा उठी और सरसराते हुए इसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगी। हवा के उस चक्कर में उसे एक अजीब प्रेम की अनुभूति हो रही थी। वह हवा धीरे से वह किशोरी बनकर उसके पास खड़ा हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, कल से तुम मेरे ही बारे में सोच रहे हो ना? फिर से घनेसर ने थूक सटक कर हाँ में सिर हिला दिया। उस किशोरी ने खिलखिलाते हुए कहा, कोई अपनों से डरता है? मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको डराने नहीं आई हूँ बल्कि अपनापन का एहसास कराने आई हूँ। इसके बाद पता नहीं क्यों घनेसर का डर कुछ कम हुआ और वह एकटक होकर फिर से उस किशोरी के अनुपम सौंदर्य का नेत्रपान करने लगा।
ये सिलसिला कुछ देर चला और फिर से खिलखिलाती हुई वह किशोरी वहाँ से गायब हो गई। अब तो आए दिन घनेश उस किशोरी के साथ काफी समय बिताने लगा। वे दोनों अब खुलकर एक दूसरे से बात करने लगे थे। घनेश उसे इंसानी कहानियाँ, अपने गांव घर की बातें सुनाता और वह किशोरी अपने लोग की बात बताती, अपने जीवन के रोचकपूर्ण किस्से सुनाती। आखिर वे दोनों इतने करीब आ गए कि सदा के लिए एक साथ जीने मरने की कस्में खा लिए। क्या घनेश उस भूतनी किशोरी को अपना पाया? आखिर वह भूतनी अपने लोग की कौन कौन सी बातें घनेश को बताती थी? इन सब रहस्यमयी बातों से पर्दा इस कहानी के अगले और अंतिम भाग में उठ जाएगा। कैसी लगी यह भूत ही काल्पनिक कहानी? अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि मैं जल्द से जल्द इस कहानी को पूरा कर आप लोगों के समक्ष परोस सकूं। प्रेम से बोली जय बजरंगबली।